तुझ्या जिंदगीची मज्जा बेधुंद झालं दिशा मन झाले बावरे. ये था हमारी पहुंच का एक छोटा सा नमूना. आगे आगे देखिए होता है क्या. मुझे अगर प्यार है तो सिर्फ अपने देश से. सच्चाई और कर्तव्य के आगे मेरी जान की भी कोई कीमत नहीं है. नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. जैसा कि मैं अक्सर आपको खबरें दिखाते रहता हूं और आज एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं, एक ऐसे शख्स से आप सबको मिलाने वाला हूं जिनका नाम काजल शर्मा है. और मैंने पहले ही कहा आपको कि आज खबर नहीं, आपको खबरों से हटकर कुछ अलग बात करने वाला हूँ. कुछ अलग, एक ऐसे अभिनेत्री जो मुंब्रा के रहने वाले थे, कुछ साल पहले रहे, अभी भी उनका वहाँ पर जो है घर द्वार हर चीज़ है वहाँ पर. लेकिन ये काजल शर्मा जो मेरे साथ आज बैठी हैं, ये मुंब्रा में पली बड़ी हैं. और काजल शर्मा के जो पिताजी हैं, जो जिनका नाम लालचंद शर्मा है, वो जो है एक निचले तबके से लेकर आज काफ़ी ऊंचाई तक हैं. आज वो जो है अपनी बेटी को जो है एक फिल्म में एक अहम रोल में और एक अभिनेत्री बना चुके हैं. जो है कई सारी फिल्में आ चुकी हैं काजल शर्मा की, लव बैटिंग, प्रेम कहानी, और साउथ का भी फिल्में वो कर रही हैं. अभी हाल ही में एक ऐसा सीरियल आया है जिसको लेकर पूरे देश में जो है एक जो माहौल है काफ़ी अच्छा माहौल है. जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो है एक आह्वान किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक उसी तर्ज पर जो है बेटी घर का उजाला जो है एक सीरियल आ रहा है जिसमें काजल शर्मा और जो है रजा मुराद भी हैं और भी कई ऐसे कलाकार हैं. लेकिन हम उसी से लेते हुए उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी बात करेंगे उनके करियर को लेकर. जिस तरह से शर्मा जी, जो लालचंद शर्मा है, जो है उन्होंने अपनी बेटी की जो है जो उनकी जो इच्छा थी उस चीज़ को लेते हुए उन्होंने काफ़ी आगे जो है उनको पहुंचा चुके हैं. और यही नहीं, काजल शर्मा जो है उनके माता पिता जो है हर फिल्मों में खास करके प्रोड्यूसर भी रहे हैं. काजल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे जो है प्रहार टाइम्स में आपका जो है. धन्यवाद. काजल शर्मा जी, आपने जो है एक शुरुआत से जो है आपने किस तरह से आगे बढ़े और आज जो है आपने जो है कई सारी फिल्में किया है और कई सारी फिल्मों में जो है आपने काफ़ी दर्शकों का प्यार मिला है आपको. और अब आप जो है बेटी घर का उजाला जो सीरियल आ रहा है लोगों के बीच, वो उसके बारे में आप बताइए. जैसे कि आपने बोला, मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म स्टार्ट की थी प्रेम कहानी, जो मेरे डैड ने प्रोड्यूस की थी. उसके बाद मेरे डैड ने एक और फिल्म बनाई मेरे लिए, लव बेटी, जो अभी रिलीजिंग पे है, मई जून तक होपफुली रिलीज़ हो जाएगी. उसके बाद मैंने ओ माय घोस्ट एक फिल्म की है, उसमें प्रथमेश परब जो दगड़ू है टाइम पास फिल्म का, वो को स्टार है मेरे अपोजिट. सो ये सब होने के बाद मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा कि मैं और ज़्यादा एक्टिंग करूँ, थोड़ा डेली सोप भी करूँ. तो डेली सोप के बेस पे मुझे समथिंग बेटी बचाओ के बेस पे कुछ काम करना था, कुछ अपने कंट्री के लिए कुछ करना था. तो अंजुन चैनल पर जो अभी शो आ रहा है बेटी घर का उजाला, 8 बजे सोमवार से गुरुवार, तो आप वो ज़रूर देखिए. पहले तो मैं ये बताऊंगी आपको, तो वो शो के बारे में ऐसा है कि वो शो में मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रही हूँ जो अपने गांव के लिए कुछ करती है, अपने गांव की बेटियों को पढ़ाने के लिए कुछ करती है. तो वो बेस पे वो एक सीरियल है, तो मुझे बहुत खुशी हुई वो सीरियल करते हुए. एंड होपफुली उसके मैंने 35 एपिसोड शूट कर लिए. एंड वहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप किया क्योंकि वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, कुछ समथिंग कुछ स्पेसिफिक एपिसोड्स होते हैं वही हम लोग दिखाते हैं. तो 35 एपिसोड्स हो चुके, उसका TRP बहुत अच्छा हो रहा है, आप सब लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसका TRP बढ़ते जा रहा है, तो उसका TRP और बढ़ेगा. हम लोग और उसका शूट करेंगे बेटी घर का उजाला. बेटी घर का उजाला, उसमें जो है आप जो है पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, तो उसमें और भी कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो आपके साथ कर रहे हैं, आपको किस तरह से ये जो है मतलब कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो है बेटी बचाओ जो है अभियान जो चल रहा है नरेंद्र मोदी का, ठीक उसी तर्ज पे ये है. हाँ, सेम उसके ही बेस पे है कि अभी हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी फिल्मों में होता है या फिर हम लोग पुरानी फिल्में देखते हैं कि बेटी को पढ़ाया नहीं जाता. अभी तो बहुत अच्छा हो गया, अभी तो सारे सीरियल्स में सारे मूवीज़ में दिखाते, बहुत बॉलीवुड में भी थोड़ा सा वेस्टर्न हो गया है. बट ये जो पुराना जो था स्टाइल बेटी को पढ़ाना नहीं, ये सब कम हो गया है. तो इसीलिए शायद वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने भी सोचा होगा कि वो बेस पे हम लोग कुछ तो बनाए. इसलिए वो सीरियल का थीम ही वही है कि गाँव है, गाँव में बेटी को पढ़ाया नहीं जाता है, तो फिर माँ बाप उनको पढ़ाते नहीं है क्योंकि मुखिया होता है, मुखिया को डरते हैं, मुखिया मतलब उनके लिए सब कुछ होता है. तो मुखिया के डर के कारण, मुखिया के लड़कों के डर के कारण वो लड़कियों को छेड़ते हैं,
तो उनके कारण लड़कियां पढ़ती नहीं है, उनके माता पिता डर जाते हैं उनको लड़कियों को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके डर जाते हैं। तो वो बेस पे एक मूवी बनाई है, और जो मेरे सीरियल है ये, और मेरे जो डैड दिखा है सीरियल में, उनका नाम है मकरंद देशपांडे, वो बहुत अच्छे बड़े स्टार है मराठी के भी, इवन बॉलीवुड के भी। तो वो मास्टर दिखा है, एक स्कूल मास्टर दिखा है, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया सीरियल में, पढ़ाया मुझे, पुलिस इंस्पेक्टर बनाया। तो वही लड़की की अभी पोस्टिंग वही गांव में हो चुकी है, तो वो गांव वालों को मदद करी है, अपने डैड के सपने पूरे करिए। तो ये सारे बेस पे वो सीरियल है, एंड एंड में वो पुलिस इंस्पेक्टर जिनका मैं रोल करी, सरस्वती उनका नाम है, तो सरस्वती कैसे उस मुखिया को गाँव की लड़कियों को परेशान करने से बचाती है, वो सब वो सीरियल में दिखाया गया। लगातार आप जो है कई फिल्में कर चुकी हैं, और उसके बाद जो है आपने जो ये सीरियल में जो अभी काम किया है, तो उसमें और सब मिलाकर कैसा अनुभव रहा है आपका? मेरा अनुभव तो हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। अभी मैंने ये सीरियल में हालांकि राजा मुराद, मकरंद देशपांडे, इन लोगों के साथ काम किया है, मतलब काम तो बहुत अच्छे बड़े बड़े स्टार्स थे, बट मेरा काम जो ज़्यादा था वो मकरंद देशपांडे और राजा मुराद इनके साथ ही था। तो हालांकि मुझे बाकी स्टार्स का ज़्यादा पता नहीं है। और फिर मैंने फिल्म की, उसमें प्रथमेश परब के साथ काम किया है, और प्रथमेश परब यू नो टाइम पास का इतना बड़ा एक्टर है, तो उसके साथ काम किया है। जैसे मैंने लव वेडिंग में मैंने स्मिता गोंदकर, सयाजी शिंदे, इन लोगों के साथ काम किया। सयाजी शिंदे तो आपको पता है कितने बड़े स्टार हैं, इवन साउथ के, बॉलीवुड के सीरियल्स में भी उनका बहुत ज़्यादा नाम है। तो बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और मुझे भी बहुत सारे एक्टिंग करने के लिए बहुत अलग अलग स्टेज मिले। जैसे मैंने एक हॉरर फिल्म की है, हॉरर बेस पे फिल्म की, मेरी फर्स्ट फिल्म थी हॉरर बेस पे थी। फिर मैंने लव बेटिंग की, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे रोमांस, थोड़ा कॉलेज लाइफ जीने के लिए मिला। जैसे मैंने ओ माई घोस्ट की, ओ माई घोस्ट भी भूतों पर डिपेंड है, बट उसमें मुझे इतना नहीं मिला, बट एक मैं लड़के को संभाल रही हूँ, तो मुझे बहुत अलग अलग कैरेक्टर करने मिले, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मैंने हर इसमें इंजॉय किया है, अलग अलग कोस्टार्स के साथ काम किया है, तो मुझे मज़ा आया, इन शॉर्ट मज़ा आया। जैसा कि काजल जी, आप जो है बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, और आपकी तरह और भी लोग जो है, हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं, वो भी काफ़ी उत्सित होते हैं कि मुझे भी कई सीरियल में काम करना है, मुझे भी कई फिल्मों में काम करना है, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। तो आपकी तरह बनने के लिए उनको किस तरह की जो है मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और आपके पीछे किसका हाथ है? नो डाउट मेरे पीछे तो मेरे माँ बाप का हाथ है। तो मैं सबको तो यही बोलूँगी, अपने बच्चों को, सब माता पिता को यही बोलूँगी, अपने बच्चों का जो भी ड्रीम होता है वो कंप्लीट करने दो, क्योंकि जो हम लोगों को करना होता है, बच्चों को जो करना होता है वो वही कर सकते। अगर आप सोचो कि मेरे बेटे ने ये करना चाहिए, मेरा नाम बड़ा करना चाहिए, वो तो होने वाला है ही नहीं। उसको जो चाहिए वो वही चीज़ दिल से कर सकता है, कुछ और तो वो कर नहीं सकता। तो अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो, लाइफ में बहुत खुश रहे, तो वो उसकी दिल की उसको बातें करने दे। और बच्चों को, अगर आप कोई ड्रीम देखते हो, आपने स्टार्ट किया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, आप नहीं सक्सेस हो रहे हो, सक्सेस नहीं हो रहे, आप ट्राई करते रहो। आप अगर ट्राई नहीं करोगे छोड़ दोगे। आज भी इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, बहुत सारे सोशल साइट्स यूज़ करती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, ऐसा उसमें एक वीडियो आता है कि हम लोग ऐसे ज़मीन खोद रहे, उसमें सोना छुपा होता है। अरे भाई, तुम 2 साल 3 साल उसको निकालते जा रहे हो, बट आप जब हार जाते हो ना, वो सोना या फिर वो डायमंड आपके ना, अगर ये ज़मीन है ना, तो इतनी दूरी पे रहता है, और आप थक जाते हो और छोड़ जाते हो। अगर आप और थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको पता नहीं होता आपका सक्सेस कहाँ तक है, तो जब तक सक्सेस नहीं मिलता आपको ट्राई करते रहना चाहिए। मतलब यही वजह है, लोग जो है ट्राई करते थक जाते हैं और वो पीछे आ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उसके पीछे, हार के पीछे जीत है। एग्जैक्टली, बट ये भी नहीं है कि सक्सेस के पीछे इतना लोगों के घर वालों को भूल जाओ और पैसा कमाना ही छोड़ दो। अभी मैं मुझे पकड़ लो, अभी अगर बीच में मुझे, एक्चुअली मेरा ड्रीम तो एक्टिंग था, बट एक्टिंग के साथ मुझे मेरा एजुकेशन कंप्लीट करना है। मेरा ड्रीम है कि मेरे आगे डॉक्टर नाम लगे, मेरा PhD कंप्लीट हो, तो मैं मेरा एक्टिंग के साथ मैं मेरा MBA भी कंप्लीट करी। अभी मैं MBA में हूँ, अभी मैं अगले ये नेक्स्ट ईयर MBA कंप्लीट होने के बाद 4 साल का PhD भी करूँगी, तो मैं दोनों कंप्लीट कर रही हूँ साथ में। आपको बचपन से क्या शौक था, मतलब क्या बनना था, एक्टर बनना था कि डॉक्टर बनना था, क्या बनना था? मुझे बचपन से शौक ये था कि मेरे आगे डॉक्टर नाम लगे, इट्स नॉट कि मेडिकल ही करके डॉक्टर नाम लगे, मेरा ड्रीम था कि मेरे आगे डॉक्टर नाम लगे। बट जब एक्टिंग का शौक चढ़ा तो वो, लेकिन एक्टिंग का शौक चढ़ने के बाद वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्टिंग ड्रीम एक लिमिट तक अच्छा होता है। फिर हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोग को पढ़ाई चाहिए, दुनिया वालों से जब हम लोग मिलते हैं बातें करते हैं। अब एक्टिंग तो मैं 8 घंटा 12 घंटा करती हूँ, उसके बाद मैं दुनिया वालों से भी मिलती हूँ, उनका नॉलेज देख के हमको लगता है हम गधे भाई,
क्योंकि एक्टिंग का नॉलेज तो मैं हर जगह लेके नहीं चल सकती ना भाई, कैमरा का ऐसा होता है वैसा होता है, दुनिया का भी नॉलेज हम लोगों को चाहिए। फिर रिश्तेदारों की शादी में जाती हूँ तो एक अगर नाम लगे कि अगर मेरे डैड अगर बोले मेरी बेटी ने MBA किया है, मेरी बेटी ने PhD किया है, तो उनका भी सिर ऊपर हो। एक्टिंग को तो सब लोग ये नहीं करते हैं, क्या करती है, एक्टिंग ही करती है ना, सब लोग तो इतना अच्छे से देखते नहीं है। तो मेरा ऐसा है कि अपना खुद का ड्रीम भी कम्प्लीट करो, पढ़ाई भी कम्प्लीट करो। मेरा बचपन से दो सपना था कि मैं एक्टिंग भी करूँ, डॉक्टर का नाम भी लगाऊँ। मुझसे मेडिकल हुआ नहीं, मैं PhD करके मेरा डॉक्टर का नाम आगे लगाऊँ। अच्छा, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई अभी चल रही है? चल रही है, PhD करने का प्लान है मेरा। अरे MBA का मेरा एक फर्स्ट ईयर हो चुका है मास्टर्स। और ये शौक किसका था जो एक्टिंग करने का? वो भी मेरा ही था, मैं मेरी सारे शौक कंप्लीट करी। मैं आपको यही बता रही हूँ कि खुद के जो शौक होते वो कंप्लीट करो, क्योंकि अगर हम खुश नहीं तो दुनिया खुश नहीं। क्या बात है। अच्छा एक बात और मुझे बताइए कि रजा मुराद जो एक स्टार है, काफी अच्छे कलाकार है, उनके साथ आपको काम करके कितना अच्छा लगा, किस तरह से उनके साथ काम करके आपको अनुभव मिला? राजा मुराद ही सो हम्बल, वो बहुत हम्बल पर्सन है, उनका नेचर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। वो मुझे एक बेटी की तरह ट्रीट करते थे। वो उनका एक स्टोरी बताती हूँ, वो दुबई जाके आए थे हम लोग जो शूट करके आए थे, तो मैं ऐसे एक अकेली ही बैठी थी, मैं बहुत थक चुकी थी एक्चुअली, मेरा हेडेक हो रहा था और मुझे बैक पेन था, मैं थक चुकी थी। वो आए, मेरा ऐसा हेड सर दबा रहे थे, बेटा बेटा कर रहे थे, बेटा बेटा ये बेटा वो, हालांकि मुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा। वो आए, फिर मुझे बोला आपको च्युइंगम पसंद है? मैंने बोला हाँ च्युइंगम पसंद है, लेकिन यहाँ गाँव में का च्युइंगम मिलेगा? उन्होंने दुबई से स्पेशली च्युइंगम लाए थे, एक ही बच्चा था, उन्हें वो च्युइंगम मुझे ही दे दिया। मुझे बोला बेटा आप खाओ ये च्युइंगम। तो वो बहुत हम्बल पर्सन है, मुझे वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और वो प्रोफेशनली भी बहुत परफेक्ट है, अपना काम और खुद में बिजी रहने वाले, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। तो या वो अच्छे, बहुत अच्छे, और उनकी एक्टिंग तो नो डाउट। तो काजल जी, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और मराठी पिक्चरों में भी काम किया है, आप जैसा कि मैंने पहले बताया आपने साउथ में भी एंट्री की है, और अब जो आपने हिंदी जो सीरियल है बेटी घर का उजाला, तो उसमें काम करके कितना अच्छा लगा आपको? क्या ऐसी ही सीरियल आप आगे और बनाएंगे, या जिस तरह से ये आपने जो है इस सीरियल के लिए कई सारे लोग जो है केंद्र सरकार के कई सारे लोगों ने अभी तक मुबारकबाद दे चुके हैं, बधाई दे चुके हैं, जैसा कि रामदास अठावले और भी लोग हैं उन्होंने जो है इस सीरियल को लेकर जो है मुबारकबाद दे चुके हैं, तो क्या इसी तरह से और भी आगे सीरियल आप बनाएंगे, या आखिरी सीरियल है आपका? सीरियल तो मैं बनाऊंगी, बट जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे PhD मेरी कंप्लीट करनी है अभी। हालांकि बात ऐसी होती है कि सीरियल और मूवी इन दोनों का शूट बहुत अलग होता है। सीरियल के लिए हम लोग को 14 hours, 18 hours शूट करना पड़ता है, लोकेशंस बहुत दूर दूर होते हैं। आपने देखा मैं ठाणे रहना पसंद करती हूँ, मुझे ठाणे ही रहना है, मुझे ना मुंबई शिफ्ट होना है कहीं नहीं। तो सीरियल के सारे सेट्स मुंबई में होते हैं, तो मेरा डेली ट्रैवलिंग, ऊपर से 14 hours शूट करना, स्टडी करना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बेटी घर का उजाला ये मैंने वेकेशंस में शूट किया था और एग्जाम टाइम में, तो एग्जाम टाइम में मैं एग्जाम लिख के आती थी, शूट करती थी, और वो तो एग्जाम मैं ऐसे ही लिखती थी, मुझे मजा आता था, हो जाता था। आप एक तरफ एग्जाम देना और वो मैं ऐसे ट्रैवलिंग में पढ़ती थी, तो ज्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। तो मैं जब मेरा PhD कंप्लीट कर लूँ, एक बार मेरा डॉक्टरेट हो जाए, तब मैं सीरियल में जाना पसंद करूँगी। और हालांकि मुझे अभी कलर्स का भी एक सीरियल मिला था, बट ये MBA के साथ मेरा नहीं हो रहा था। और अभी अगर मैंने इतना MBA के लिए पैर रख दिया, अभी तो मैं 21 years हूँ यार, मुझे अभी बहुत काम करना है, पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। पढ़ाई तो बाद में होती नहीं है, काम तो बाद में होता ही रहता है। तो सीरियल तो मैं करूँगी नो डाउट, बट मुझे इतना भी डीपली नहीं जाना है एक्टिंग में कि मैं मेरे घर वालों को भूल जाऊँ, मेरी दोस्तों को भूल जाऊँ, और सब रिश्तेदारों को बोल जाओ, मुझे ये सब नहीं मतलब चाहिए। वो सब ख्याल रखते हुए दोस्तों, हाँ मुझे सब, मुझे हाँ मुझे खुद भी खुद का लाइफ भी एंजॉय करना है, और इधर सीरियल्स भी करना है। तो सीरियल की लाइफ कैसी होती है, 18 घंटा काम करो, सेट पे ही सो जाओ, वापस उठो, चाय पियो, काम पे लग जाओ। अच्छा, तो इसलिए काजल जी एक बात बताइए, जैसे कि हर एक्टर की एक दिशा होती है, दिशा बोले तो जैसा कि वो कोई एक्टर है, एक्टर से अभिनेत्री है, वो माधुरी दीक्षित को चाहता है, उनके नक्शे कदम जैसा उनकी एक्टिंग है उस तरह से चलता है, कोई जो है और दूसरे एक्टर्स को देखकर, अभिनेत्री को देखकर वो आगे अपने स्टाइल करता है, अपनी जो एक्टिंग करता है, आपको क्या पसंद है, मतलब कौन से एक्टर को आप पसंद करते हैं? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, मुझे सब लोग पूछते, बट मैं कोई एक्टर को फॉलो नहीं करती हूँ, किसी को भी नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना जो मैं दे सकती हूँ, अगर मैं किसी को कॉपी करूँ ना, तो वो मैं खुद से नहीं निकलेगा, तो मैं कॉपी कर रही हूँ। अगर मैं खुद के दिल से वो चीज़ निकालूँ तो वो काजल शर्मा है। मैं दीपिका को कॉपी करूँ, प्रियंका को कॉपी करूँ, तो वो यूजलेस है, उनको
कॉपी करके क्या फायदा है, दीपिका को 2000 लोग कॉपी कर सकते, अगर मैं खुद से करूँ तो मुझे भी कोई कॉपी करे, तो मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं खुद की एक्टिंग खुद से करती हूँ। काजल जी एक और बात बताइए मुझे, ये जो लव बेटी, ये जो है बेटी घर का उजाला जो सीरियल है, इसको लेकर आप जो है हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे, और कौन से चैनल पे आता है, कितने बजे आता है, और उसका मकसद क्या है, एक बार आप बताइए। बेटी घर का उजाला ये जो शो चल रहा है वो अंजन टीवी पर सोमवार से बुधवार शाम 8 बजे चल रहा है, तो आप ये ज़रूर देखिए। और ये शो का मकसद ये है कि गांव में, गांव हो या फिर सिटी भी हो, अभी वो डिपेंड्स कि माँ बाप के ख्याल कौन से होते हैं या फिर हम लोग कौन से परवरिश में बड़े हुए हैं, हमारे रिश्तेदार कौन है, वो उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, बेटियों को स्पेशली, तो बेटियों को पढ़ना होता है, वो आगे बढ़ना चाहती है, तो वो वैसा मकसद है उसका कि आप बेटी को पढ़ाओ, बेटियाँ भी बेटों से ज़्यादा नाम रोशन कर सकती है आपका। आप देखो आज मेरे भी घर वाले मुझे बोलते हैं कि मैं मेरे भाइयों से मैं उनका नाम रोशन करती हूँ, मेरे बड़े भाइयों से भी ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चियों को पढ़ाए, बेटियों को पढ़ाए, उनके सपने पूरे करने दे। ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको पढ़ना नहीं होता है भाई, उनको अलग ही पता नहीं कौन से जोन में रहते हैं, उनको पढ़ना नहीं है, अकेले रहना है, तो ऐसा भी ना हो, बच्चों को पढ़ाओ, ज़बरदस्ती करो बच्चों पर, अगर वो पढ़ नहीं रहे, वो लड़का हो या लड़की हो, एटलीस्ट लड़कियों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। आज के ज़माने में तो 10वीं तक तो उनको पढ़ाना चाहिए, बट मैं सोचूं एटलीस्ट उनका ग्रेजुएशन हो जाए, और बच्चों बड़ लड़कियों की शादी जल्दी ना करें, थोड़ा सा टाइम दे उनको, क्योंकि फिर शादी कराओ, फिर लड़कों के साथ जमता नहीं है, फिर वो डिवोर्स कराओ, फिर माँ बाप को तकलीफ दो, फिर माँ बाप का नाम ख़राब करो, फिर वही बाकी के लोग देखते, देखो लड़कियों को पढ़ाया तो ऐसा होता है, तो ये सब ना करो, लड़कियों को भी टाइम दो। सो ये सारी चीज़ें वो सीरियल में दी गई है, और यही वो शो का मकसद है कि बेटियों को कैसे रखा जाता है, उनके सपने क्या होते हैं, उनको कैसे पूरे किए जाते हैं। इस सीरियल में जो है डायरेक्टर कौन है, और ये जो तर्ज है, ये जिस तर्ज पे बनाया गया, मतलब कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब जो अभियान है, तो इस तर्ज पे ये बनाया गया, लेकिन इसके डायरेक्टर कौन है? इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजू यादव है, दोनों एक ही है। ये सोच उनको कहाँ से आएगी, मतलब कि इस तरह से करना चाहिए? एक्चुअली उनके साथ मेरी 2 साल पहले ही बात हो चुकी थी, तो ये जो सीरियल है वो हम लोगों ने लाइफ ओके के लिए रखा था, बट लाइफ ओके के लिए अगर ये सीरियल रखे तो उसका देश के साथ थोड़ा कनेक्शन कम हो जाता, अगर लाइफ ओके पर रखे तो वो जो फील है गांव वाला फील जो अंजन चैनल पे आ सकता है वो लाइफ ओके पे नहीं आता था, लाइफ ओके पे हम लोगों को थोड़ा मॉडर्न दिखाना पड़ता, तो वो फील उस चीज़ का चला जाता, इसलिए उसको अंजन चैनल पे रखा हुआ है। तो उनको था, उनकी सोच थी, मतलब वो गांव से है, यूपी से है, तो यूपी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, उनकी शादी जल्दी करनी है, तो उन्होंने यूपी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी है, तो वही उनकी सोच थी, वही थीम उन्होंने पकड़ी थी कि उनको अगर वो शो बनाए तो वो ऐसा शो बनाए। ये जो सीरियल है वो कितना मतलब कामयाबी चुनेगी, इसके पीछे अभी तो मेहनत कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल तो सीरियल का TRP बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अभी इस पर मेहनत करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, अभी जो भी है भगवान के हाथ में, क्योंकि सीरियल हो चुका है, वो TV पर चल रहा है, तो अभी हम लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं, हमारी जो मेहनत थी वो हम लोग कर चुके, तो अभी जो है भगवान के हाथ में और सारे दर्शकों के हाथ में कि वो उसको कितना TRP उसका पड़ा। ये थे काजल शर्मा जी, जो अभिनेत्री है, और जिन्होंने काफी अपने अंदाज में जो है बहुत कुछ कहा है अपने सीरियल को लेकर, बेटी घर का उजाला, जिसको लेकर इन्होंने बहुत सारी बातें किया है, डायरेक्टर कौन है उसके बारे में बताया है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था इनके पीछे या अभिनेत्री के पीछे जो है इनके माता पिता का हाथ है, और हर फिल्म में जहाँ जो भी फिल्म अभी तक आई है उसमें कुछ ना कुछ जो है रोल इनके पिताजी का रहा ही है इनके पीछे, चाहे उस फिल्म में प्रोड्यूसर का हो चाहे और भी हो, तो इस ठीक इसी तरह से माता भी है इनकी, किसी ना किसी फिल्म में वो भी प्रोड्यूसर रहती हैं। बहरहाल जो है इनकी जो है हमारी ये प्रहार टाइम जो है हमारी पूरी टीम इनको बधाई दे रहा है कि ये और भी आगे जाए, और बेटी घर का उजाला जिस तरह से इन्होंने बनाया है ठीक इसी तरह से और भी कई सीरियल में काम करें, ठीक और भी किसी फिल्मों में काम करें, अच्छे फिल्मों में काम करें। बहरहाल हम इसी के साथ हम आपको ये भी कहते हैं कि इनकी सीरियल जो आ रही है 8 बजे आती है, और वो अंजन TV चैनल पर आती है, और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।